परम सत्कार जो श्री श्री 108 स्वामी गुरदेव गिरी जी महाराज अते पंडाल विच बैठे समूह सत आप सबनों जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। राग सोरठ बाणी सत गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को यतन करो हम छूटे तुम आराधे जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। अज काको तेरियां संगतां वल्लों सहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दा जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उन्हां दी 645वें प्रकाश दिवस नूं समर्पित जो अज दा सत्संग सम्मेलन करवाया जा रहा है दा सारियां संगतां नूं अज दे शुभ टाइम दी बहुत बहुत वधाई दिंदा। पाठी साहिब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी दा शब्द लिया जिस शब्द दे विच गुरु जी ने प्यार दी कहानी नूं कहा कि जदों असीं प्रभु नूं प्यार दे बंधन च बन्न लैंदे हां फिर प्रभु किसी भी तरीके साडे प्यार दे बंधन चो सुट नहीं सकदा। इह अक्सर असीं सबद सुनदे आए हां सत्संग दित्ते हुंदे आए हां पर अज दास ने इहनूं प्रैक्टिकल रूप च देखिया। मैनूं 3 दिन पहलां ही पता चलिया कि कापोते विच श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिन मनाया जा रहा ते मैं कुछ लोगों को टाइम दे चुका सा। कल पटियाले दे विच बाबा साहेब अंबेडकर एक होस्टल बनाया उदा उद्घाटन सी उत्थे मैं जाना सी
ते वापसी एक सेवादार परिवार विच्चों उन्हां दी बहू दा देहांत हो गया ते सुबह मैं उत्थे आना सी। उहदे बाद दे विच अज जी बाबा साहिब अंबेडकर दा जन्मदिन बसना दे लागे रख्या होया सी, जो उत्थे जम्मू कश्मीर दा सत्संग सोसाइटी दा हैड ऑफिस है सिकंदरपुर कोठी। मैं किसी तरीके उन्होंने मनाया, मैं जो पता लगा कि कापूते, मैं क्या कापूते मैं सहत ना पहुँच पा, क्योंकि दो प्रोग्राम ऑलरेडी हैं, ये प्रोग्राम किस तरह मैं छड्डांगा। चलो मैं जलंधर वालियां नूं कहा कि मैं अरदास कर जांगा, पाठी बाद च सत्संग कर दे। इत्थों सेवादार कहन लगे असी बड़ी आस रखी हुई, पर मैं कह सिकंदरपुर कोठे है। उन्होंने भी कल फोन कर दिता कि बाबा जी इत्थे प्रधानमंत्री आ रहे ने, हो सकता रोड ब्लॉक हो जान चाहे बंद कर देन, ते संगत दा आना जाना मुश्किल होए, ते असी इस प्रोग्राम नू पोस्टपोन कर दिता है। असी सारे ही जो सोशल मीडिया है, दूसरा मीडिया प्रिंट मीडिया सबना दे विच कढ दिता है कि असी ये प्रोग्राम नू पोस्टपोन कर रहे हाँ। मैं कहा वाह का पुते वाले हाँ, सारे पासे चक्कर पा। तो यह है प्रेम प्यार दी कहानी। मैंने कह ही रहे सन सारी संगत के उधमपुर मैं जिदन आया दो मिनट वास्ते ही चाहे आया, पर वो कहिंदे कापूते वालिया ने बड़ी आस रखी हुई है। मैं कह मैं ते वो प्रोग्रामा च होना है, उत्थे ते पहुंच नहीं पावांगा। तो सुबह ही असी पटियाले तो चले आए हाँ। वैसे आम किसी ने सोचना हुई पटियाले जाना तो हो सकता है वो सोचे करा दिन पहला ही जाना पवे। तो रस्ते च फिर प्रोग्राम करके छोटा जा उत्थे अरदास करके आश्रम च भी अज ऐतवार सी, संगत सी सत्संग लई, ते तुसीं सुन ही लिया होगा डॉक्टर सोमा तरी दी मैं ड्यूटी लाती कि तुसीं कर देना, पर कुछ जरूरी मिलने वाले सन उन्होंने मिल के मैं इधर निकल आया। तो तकरीबन टाइम ते ही पहुंचा, क्योंकि अजे राशन थोड़ी देर बाद भी खा सकने, भाषण सुन सकने असी। वैसे राशन च ध्यान चल जे तो भाषण का मजा नहीं आता, ध्यान तो नहीं गया राशन च नहीं ले जाने, फिर भाषण का मजा नहीं। गुरु प्यारी सतसंग जी पाठी साहब जी ने गुरु जी का शब्द कहा, जो हम बांधे मोह पास। इतिहास के मुताबिक एक दिन प्रभु के मन के विच एक सोच आई, मैं सतगुरु रविदास महाराज जी नूं बहुत वड्डी जिम्मेवारी दे के भेज रहे। ये बहुत वड्डी जिम्मेवारी सी गरीब लोकां दा सुधार कर, गरीब लोकां नूं अपने गल नाल ला, ये बहुत वड्डी जिम्मेवारी। अमीर दे सारे बन जांदे ने, गरीब दा कोई नहीं बनदा, सके रिश्तेदार भी मूंह फेर जांदे। प्रभु ने सोचा इतनी वड्डी जिम्मेवारी नभा पावेगा कि नहीं, इहदी परीक्षा लैनी चाहीदी, ते परीक्षा हर फील्ड च, जिस फील्ड दे विच परीक्षा ना होगी उहदे च कामयाबी नहीं हुंदी। सरकार ने एक कानून बना दिता कि दसवीं तक बच्चियां नूं फेल नहीं करना, परीक्षा लैन गे पर फेल नहीं कर।
वो दसवीं तक जेडे ओहो जे बच्चे लापरवाह है ना वो कदे अगे वध ही नहीं सकन। परीक्षा का होना जरूरी, ऑपरेशन का होना जरूरी। हुणे असी गड्डी च बैठे कोई आश्रम की ही गल कर रहे सां, तो बच्चे कह रहे सन कि ऑपरेशन होना जरूरी है, जे नहीं होएगा ना तो काम च कामयाबी नहीं है। दसन वाला गलतियां होना दसन वाला जरूरी। कहिंदे असी तां ही कामयाब हो रहे हां, अपने फील्ड च सानू टाइम तो टाइम उसे वेले लोकी गलती दस देने, तुसीं इत्थे गलत कर रहे। प्रभु ने सोचिया गुरु जी का इम्तिहान लै ली कि माया च गलतान तो नहीं हो जाए। प्रभु ने एक सन्यासी का रूप बनाया ते गुरु जी दे पास आ गए। गुरु जी नू आके नमस्कार कीती। गुरु जी ने संत वेख के बहुत उन्हां दा इज्जत मान कीता, एक सोहना जिहा आसन बना के बिठा दिता, पानी तानी पिलाया ते कहन लगे कोई सेवा दसो। प्रभु बोले मैं तेनू सेवा की दसा, तू ते बड़ा गड़ीबड़ा जिहा आदमी, मेरा जोड़ा टुटिया होया ए गंढ दी पर है, दस पहला गंढाई लवेंगा की। गुरु जी कहिंदे मैं हर एक कोलो एक कसीरा लेंदा, कसीरा पैसे दे थले कोई हिस्सा होवेगा, पर आप संत हो महात्मा हो, तुहाडी सेवा करना मेरा वैसे ही फर्ज बन जांदा है, मैं वैसे सेवा करना क्योंकि मैं टुटिया नू ही गंढन वास्ते आया, मेरी ड्यूटी रब ने इसे कम ली लाई है। जो ये गल के प्रभु सोचन लगे, कदे कदे त्याग आ ही जांदा, ते कदे कदे बंदा कौडी कौडी बदले भी तरस दे, ये पारस मैं इत्थे सड़ जाना, अज नहीं लै लेगा ते कदे जरूर वरत लेगा। प्रभु कहन लगे जे तेनू पारस नहीं चाहिदा कोई गल नहीं, पर इनू ईमान तो दे तौर ते रख दे, और मैं जदों वापस आवांगा मैं लै लवांगा। प्रभु चले गए, पारस नूं उत्थे उन्हां दी चौंपड़ी दे विच किते टंग के 6 महीने बाद प्रभु वापस आए। गुरु जी दी ओही हालत, ओहो जे कपड़े ने, ओहो जिहा ही कर। गुरु जी ने आके पारस मंगिया, प्रभु ने आके पारस मंगिया। गुरु जी कहिंदे आ जिथे आपने रखिया होएगा उत्थे ही होवेगा। जदों प्रभु ने वेख्या वाकया पारस उत्थे ही पिया होया, किसी ने ही नहीं हिलाया हो। तो उस टाइम प्रभु गुरु जी ते बहुत खुश होए ते गुरु जी नू गलवकड़ी च लै लिया, अपनियां बाजुआं च ले लिया ते कहन लगे मैं तेनू भेजिया तू कामयाब हो जाएगा, क्योंकि तू माया च गलतान नहीं। जदू प्रभु ने गुरु जी नू कलावे च लिया, गुरु जी ने भी कलावा भर लिया। हुण प्रभु सुटना चाहुंदे ने पर गुरु जी हुण सड़दे नहीं। आखिर प्रभु अलोप हो ते प्रभु बड़े मान नाल कहन लगे, कहिंदे रविदास तू नहीं सी ना सड़दा, हुण सना हुण मैनू फड़ के दे। गुरु जी मुस्कराए कहन लगे राजा की होया,
तू मेरिया ए प्रभु की होया मेरिया बावां चो ही निकलिया मेरे दिल चो निकल के तां मैनूं दस तू मेरे दिल चो नहीं निकल सकदा क्योंकि मेरा ऐसा प्रेम है जो हम बांधे मुंह फांस हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने सूटन का जतन करो हम सूटे तुम आराध ऐ प्रभु की होया जेकर तू सानू दुनिया दे विच जन्म दिता ते दुनिया भी मोह माया च बंध दिता जिथे तू सानू दुनिया भी मोह माया च बंध दिता उथे असी तेरे नाल प्यार पाया और दुनिया दी मोह माया तो सुट गए किदे नाल प्यार पा के प्रभु नाल ते उदे बाच की होया तुसी साड़ी प्यार दे बंधन च बज गए हुन अपने सूटन का जतन करो हम सूटे तुम अराधे ऐ प्रभु कोई अपने सूटन दा जतन कर असी ता तेरा नाम जप के मोह माया तो सुट गए हां पर तुसी साड़ी प्यार दे बंधन च बज गए हो हुन तुसी साड़ी प्यार दे बंधन चो किस तरह सुटोगे वाकया जिन्हां ने प्रभु नूं सच्चे प्यार दे बंधन च बन लिया वो प्रभु फिर प्यार दे बंधन च सुट नहीं सकिया नहीं सुट पावे वो प्रभु बड़िया चतराइया चलाकिया दे नाल नहीं मिल वो प्रभु प्यार नाल मिलदे जदों दसम पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की दुश्मना का मुकाबला किस तरह कर सकेंगे उन्होंने पांच ककार वालिया चीजा धारण करने लिए कहा वो पांच ककार वालिया चीजा पांच का वालिया चीजा सन का केस हर एक मेरा सिख केस रख का कृपान मेरा सिख कृपान पा के रख का कंगा मेरा सिख हर टाइम कंगा रख का कसहरा मेरा सिख हर टाइम कसहरा पा के रख का कड़ा मेरा सिख हर टाइम कड़ा पा के रख जदों उन्होंने कड़े पा ले केस रख ले कृपान रख ले एक अलग जिहा रूप दिसन लग पे ते उन्हां दे विच मान आ गया सैंत रब है साडा होर किसे दा नहीं क्योंकि वखरे जे सन ना दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने वेख्या इन्हां च ते गुमान आ गया इन्हां च ते हंकार आ गया उन्हां ने कोल बुलाया ते बोलिया साच कहूं सुन लियो सपै जिन प्रेम किया ते नहीं प्रभ पाई किया गुरमुखो ऐ सिखो मेरी गल ध्यान नाल सुनो जिन प्रेम कीता ओही प्रभु नूं पा सकदा दूसरा कोई नहीं तो असी प्रभु दे नाल प्यार करना है उदे सबद दे नाल प्यार करना उदे नाल प्यार जदों होवेगा ते प्रभु अपने आप ही मिल जाएगा ये बाहरी कर्म कांडा दे नाल नहीं बाहरी पूजा पाठा दे नाल नहीं मिलना वो सानू अपने अंदर ही प्यार नू पैदा करना पवेगा फिर गुरु जी अपनी बाणी च अगे बोलदे हां माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी माधवे जानत हो जैसी तैसी
हाल का तू जानदा ही है, मेरा आप नाल कैसा प्रेम है, कैसा प्यार है ओ जान ले। जैसी बार मुखी प्रभु नु प्यार कर दिया तू भी जान ले, जे अंदरों कर दिया तू भी प्रभु जान ले। प्रभु साडे दिल दिया गल्ला नु जान ले। जो कुछ साडे अंदर विचर रहा, जो कुछ हो रहा उस समझ दे। गट गट की अंतर की जान, पले बुरे की पीर पसंद। को कट कट दिया जान ते असी ओ प्रभु नु दिलों प्यार कर दिया, दिखलावा कर दिया, ए भी प्रभु जान। तो असी दिलों प्यार कर, दिलों प्रेम करना है, दिखलावा नहीं करना। दिखलावे करन दी उत्थे जरूरत नहीं है। गुरु प्यारी सा संगत जी, इत्थों तक जदो किते भजन ते बैठो, सिमरन ते बैठो, ओ भी दिलों होके बैठना। वंगार भरना जा चट्टी भरना समझ के नहीं बैठना। सिमरन संबंधी भी साडी ऐसी लगन होनी चाहीदी है कि हाफ जियो दे नाम दी दिंदा रह दुहाई, अर्ज कबूल होवे के नहीं। ये बात मूल ना लगे कि मैं जो सिमरन कर रहा, पता नहीं ये गल लेखे च लगनी है कि नहीं लगनी। लेखे च लानी ना लानी वो मालक दा काम है, तू बस ओदे नाम दा सिमरन कर दे जा। तो असी दिलों होके उस प्रभु दे नाम नु जपना है। फिर पातशाह जी ने अपनी बाणी च अगे फरमाया, मीन पकर फांकियो अर काट्यो रांद कियो बहु बाणी, खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी। मीन पकर फांकियो अर काट्यो रांद कियो बहु बाणी, खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी। गुरु जी ने बहुत सारिया मसाला दे करके अपने प्यार नु दसन की कोशिश की। उन्होंने कहा, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ अवर संगत। जेकर मालका तू मेरे को प्यार नहीं तोड़ेगा तो मैं भी तेरे नालों नहीं तोड़ांगा। मेरा सच्चा प्रेम आप नाल बनिया और तुहाडे नाल प्यार पाके होरना वालों मन नू हटा लिया। होर कौन विकार अब कौन। गुरु प्यारी सत्संग सतगुरु जी दे कहन दा पाव है, मैं सच्चा प्यार आप नाल की। और ऐसा पया कि आप गिरवर बन जाओगे, मैं मोर बन जावा। आप चंदन में बन जोगे, मैं चकोर बन जावा। आप दीवे बन जाओ, मैं बत्ती बन जावा। कहंदा पाव हर जगह ते तेरे प्यार नु मैं जान लिया। गुरु प्यारी सा संगत जी, बहुत सारे लोग प्रभु नु बार मुखी ही प्यार कर दे। गुरु जी ने सानू अंदरों मालक दे होन ले के सच्चा प्यार करन ले के है। जो तुम दीवड़ा तो हम बाती, दीवे ते बत्ती वर्गा सड़दी बत्ती है ना किदा दिंदी है दीवे।
असी भी मालिक दा है। जस गाना जो तुम तीर्थ तो हम जात, जेकर मालका तो तीर्थ बनेगा मैं जात्री बन के आवां। तीर्थ कोई महान नहीं हुंदा, महान वही तीर्थ हुंदा है जिथे जात्री आना शुरू हो जाए। साड़ी पठानकोट दे आगे कोई जगह है बड़ी पुरानी कहिंदे उत्थे कोई नूं आउंदियां जांदियां नहीं लिख, पर हुण और बड़ी डिवेलप हो गई। क्यों? जात्री आउण लग पे। तीर्थ वड्डा नहीं, तीर्थ नूं वड्डिया कौन करदा? जात्री। इसलिए मैं तेरे नाल सच्चा प्यार पाया गुरु प्यारी सत्संगत। गुरु जी कहिंदे ने मीन पकड़ पाकियों और कट, अपने प्यार नूं होर अगे दसंदी प्यार खतम। किथे गया गुरु गारू? खतम सारे गुरु गारू। माड़ी जी मुस्कर बने, पर गुरु जी कहिंदे ऐसा प्यार हो जाए जिस तरह मछली दा पानी नाल प्यार। चाहे कुछ ही होइए पर प्यार ऐसा हो जो गुरु जी ने कहा, ताई असली गुरमुख। ते जेकर असी मालिक दे चरणा नाल प्यार ही नहीं कीता फिर असली गुरमुख नहीं है। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, अपना बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापे हो, भगत अपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापे हो, भगत नहीं संतापा। हुन गुरु जी अपनी बाणी दे विच दसदे ने ओ विचार तारा जेड़ी गल कह दिंदे है कि प्यो दे कोल होए ते पुत्र कोल भी वह भगती जांदी है। गुरु जी ने इस गल दा खंडन कर, उन्होंने कहा अपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राज। गुरु जी कहते ने परमात्मा किसी दे प्यो वाला नहीं है, किसी दे बाप की जद्दी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रभु ओदा जो ओदा नाम जपदा, जिन भी ओदा नाम जप लिया प्रभु उदा ही बन गए। बड़े बड़े हंकार ही कई बार हंकार ही रह गए। तो गुरु प्यारी सत्संग सतगुरु जी का कहना है, एक कड़ी अद्धी कड़ी चाहे 15 मिनट सिमरन ते बैठो बैठो जो। गुरु प्यारी सत्संग जी एहो ही लाहा, इहदे नाल ही परमात्मा खुश हुंदा। तो असी जिंदगी दे थोड़े पल कढ के प्यार सहित मालक नूं याद जरूर करांगे। जदों असी याद करांगे तां ही गल बनेगी। आपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा,
मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संताप। गुरु जी कहिंदे ने जेड़ा मालक दी बंदगी करन वाला है उन्हों कोई भी दुख नहीं सतांदा, सिमरन करन वाला दुखी नहीं। गुरु जी ने इत्थे एक बड़ी मजे दी गल कही, उन्होंने कहा जीवन जोत कैसे जली कैसे होवे अनत, रविदास मनुख ना जानत है भगवान। जीवन जोत कैसे जली, जीवन किथे होएगा, किथे तू जन्म लवेगा, तू गरीब घर जन्म लवेगा, अमीर घर लवेगा, तू अनपढ़ मां प्यो दा बच्चा होएगा, पढ़े लिखिया दा होएगा, ये मालिक ने लिख दिता, तेरा सावला रंग होएगा चिट्टा रंग, ये सारा कुछ मालिक ने बनाया। कदे भी कोई सावला रंग होए तो यह ना सोच ले कि मैं नहीं चंगा, मालिक ने बनाया थे, जितना दा भी बनाया बढ़िया बनाया। तो गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु जी कहिंदे ने जीवन जोत कैसे जली, ये जीवन दा पहला पन्ना जेड़ा रब ने लिख दे, ते लास्ट भी पन्ना परमात्मा ने लिख दे। हूँ रह गया विचकार वाला पन्ना, एदे ते जो लिखना इन लिख लो, जे लिखेगा मैं दुखी रवांगा ते दुखी रवेगा, जे रखेगा मैं सुखी रहना चाहना ते सुखी रहेगा। ये साडे हाथ है, अपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा, ये प्रभु दी जद्दी प्रॉपर्टी नहीं है, नाम जपना के ही बंदा अपना जीवन सफल कर सकता है। किसी दे बाप दी जद्दी प्रॉपर्टी, गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, जीवन जोत कैसे जली कैसे होवे अन, ये मालिक जान दे। पर विचला पेज जेड़ा इन आपे निकल, ये तीन पेजा दी डायरी बड़ी गुरु जी ने अजीब जी गल कह दिती। पहला पेज भी मालिक ने लिख दिता ते आखरी पेज भी मालक ने लिख दिता ते विचला पेज इनू दे। हुण इन वेखना मैं लिखना की चाहुंदा, ये अपने आप नू निंदक लिखना चाहुंदा है कि चंगा इंसान लिखना चाहुंदा, अपने आप नू सही लिखना चाहुंदा कि धर्मात्मा लिखना चाहुंदा, ये इहदे हाथ च, ये मालक दे हाथ च नहीं है, ये बंदे दे हाथ च है, जो तुसी सोचोगे होएगा। इस करके असी हमेशा ही चंगी सोच सोचनी, चंगा लिखना है। गुरु पातशाह जी ने जो कहा उस तरह करना, अपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा, परमात्मा किसी दे निजी प्रॉपर्टी नहीं, जद्दी प्रॉपर्टी। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, जीवन जोत कैसे जली कैसे होवे अन, ये मालक जान दे। पर विचला पेज जेड़ा इन आपे लिखे, ये तीन पेजा दी डायरी बड़ी गुरु जी ने अजीब जी गल कह दिती। पहला पेज भी मालक ने लिख दिता ते आखिरी पेज भी मालक ने लिख दिता ते विचला पेज इनू दे। हुण इन वेखना मैं लिखना की चाहुंदा, ये अपने आप नू निंदक लिखना चाहता है कि चंगा इंसान लिखना चाहता, अपने आप नू सही लिखना चाहता कि धर्मात्मा लिखना चाहता, ये दे हाथ, ये मालक दे हाथ। मालक ने तो जो बनाना ही सानू बनाता, हुण असी बनना है की बनना, ये साडे हाथ, अपना जीवन दुखा च पाउणा सुखा च पाना साडे हाथ। जेकर प्रभु नाल प्यार करोगे सतगुरु दियां गल्लां मन्नोगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। गुरु ने की किया, सब तो पहला गुरु ने किया कि असीं
हंकार नहीं करना, अहम नहीं करना, क्रोध नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करना। तो इन्हों का त्याग कर देना है तो कोई वड्डी गल नहीं है। निंदिया चुगली नू छड्डना, चाहे क्रोध नू छड्डना, पर छड्डदे नहीं आ। हालांकि औखे तो औखा वर्त रख लैंदियां बीबियां। एक जम्मू वाल बीबियां वर्त रख दियां, पंजाब च भी कई कई रख दियां सारियां। साडे इलाके च ते बिल्कुल उस वर्त का पता नहीं सी। उन्हूं करवा चौथ वर्त कहिंदे। कुछ नहीं खांदियां, पानी तक नहीं पीदियां। किन्ना कठिन वर्त है, ते आ ते सुट्टा जिहा ही वर्त है भी अज गुस्सा नहीं करना। जो मर्जी हुंदा रहे, गुस्सा नहीं करना, है ना। कोई बहुत मुश्किल सी गल। गुरु जी कहिंदे है कि तुसी अपने पिन पन्ने लिख दवो, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं क्रोध विच नहीं आना, मैं एक शांति स्वरूप आत्मा लिख देवो कि मैं खुश नसीब आत्मा, मैं एक तंदुरुस्त आत्मा। जो लिखना लिख ले। तो गुरु जी कहिंदे जे लिखेगा कि मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं शांति स्वरूप आत्मा। जे तू लिखेगा मैं झगड़ालू नहीं हूं, मैं प्रेम मूर्त आत्मा हूं, मैं नशेई नहीं हाँ, मैं नाम नाल जुड़िया होया नाम दा नशा करन वाला आत्मा। जदों ये लिखोगे अपनी पन्ने ते, ते तुहाडे पन्ने ते फिर लिखो जेगा अपने आप चंगियां जां मैं मंदियां, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगियां, हुण दुख दे पावे सुख दे मैनू दोनों ही गल्लां हुण चंगे। ते जेकर असीं गुरु जी दी गल नू नहीं मन्नदे ते साडे पन्ने ते पता की लिखो जाणे। हर सो हीरा साढ़ कै करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। गुरु जी कहिंदे मैं सच्ची गल दस देवा, जेकर तू मेरी भगती नहीं करेगा, दुखी दोहागन दुए पखहीनी जिना निरंतर भगती ना की। पातशाह जी कहिंदे ने ओह दोनों पक्खां तों हीने रह जांदे जिहड़े मालक दी भगती नहीं करदे। इस करके जीवन दे थोड़े पल कढ के असीं मालक नूं वी याद कर लैणा, ते जदों याद कर लवांगे मालक साडे ते खुश है। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने कहा तुसी अपनी बुक ते लिख देवो, अपने पन्ने ते लिख देवो कि मैं सुखी राम आत्मा, मैं खुशी राम हाँ। कदे भी अपने आप नू दुखी राम असी नहीं लिखना। समझ आ रहे ना, जो लिखांगे वही होना जी। दुखी राम नहीं बनना सी, असी सुखी राम बनना सी। सतगुरु रविदास जी दी औलाद हाँ, जिन्हां ने 52 राजे राणियां नूं ज्ञान दिता, और ज्ञान लैके उन्हां राजे राणियां ने कहता कि जो सुख प्रभु नाम चो पाया, ये वाहां नूं बड़े बड़े राजियां महलां च नहीं मिलिया। उस सुख कादा सी नाम, इस करके असी उस नाम दे नाल जुड़ने। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अग्गे फरमांदे हन, रविदास भगत एक वाटी अब ये काशियों कहिए, जा कारण हम तुम यारा दे भगत
ਸਾਡੀ ਅਬ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀ ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖ ਅਜੋ ਸਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਜਾਓ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਰਤੋਗੇ ਘਟੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕੱਟਣਗੇ ਘਰ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕੱਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤੀ ਬਾਡੀ ਅਭੀ ਕਾਸੂ ਕਹੀਏ ਕਿਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖ ਜੋ ਸਹੀ ਅਹਿਮਾਲ ਜਿਸ ਤੜਫ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹੀ ਤੜਫ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੜਫ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੜਫ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹੀ ਤੜਫ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਬੀਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਬੀਹਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੋ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਚਤਰਾ ਹੈ ਚਲਾਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਾਸਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁੱਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੋ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੋਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੋਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਚਿਟਕਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸ
सारे नाम तेरा अमोला नाम तेरो चंदनो नाम तेरा अमोला नाम तेरो चंदनो बस जपे नाम ले तुझे का उचारे हर के नाम में न झूठे सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाकी नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माए पसारे कर के नाम में टूटे सगल पसारे नाम तेरे की जोत लगाए नाम तेरे की जोत लगाई यो यो दे आरो पवन सगलारे हर के नाम में टूटे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे अठारे सगल जुठारे हर के नाम में टूटे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या यार पो तेरो किया तुझे क्या यार पो नाम तेरा तू ही चबर डोलारे हर के नाम में न चूठे सगल पसारे दस अठाठ सठे चारे खानी दस अठाठ सठ चारे खानी यह बरतन है सगल संसारे हर के नाम में न झूठे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत पाख रविदास हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत पाख रविदास ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कोयन छोट बड़ो सब सम्मसे रविदास रहे परसन्न छोट बड़ो सब सम्मसे रविदास रहे परसन्न जो बोले सो निरपै बोल सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय सांचे दरबार की जय जय गुरुदेव जय गुरुदास।